एंजॉय कर बहुत मजे से। वाह जी वाह, हमने दुआ करने है कि पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा जी इंशाल्लाह। अगर नहीं जीतता तो फिर क्या होगा, फिर तो परेशान होंगे यार। वो गिर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा, और इसके साथ ही ये मेरे ख्याल में दूसरी विकेट भी गिर चुकी है। दारोगन वो किस्मत का बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, अल्लाह का शुक्र मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कलमे पढ़ो सब, मैच लाओ, कप लाऊंगा सोने के इंशाल्लाह, सब दुनिया को कमजोर दिखाऊंगा सबका, जितना मुसलमान है खिलाफ है पाकिस्तान का, हाँ उसका हम खिलाफ है उसका हम जोर दूंगे ये कप का इंशाल्लाह, ये हम लाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करना था उसके बाद पहाड़ी जी गल कसा के जड़ी बैटिंग की है श्रीलंका बहुत क्लासिकल बैटिंग सी और पाकिस्तान यही लात लगने के नामुमकिन ही गल है कि इतना स्कोर चेस करें बहुत मुश्किल है। टाइम चली गई है तो क्या ये फाइट करी किसान लगना तो मुश्किल ही है, चलो अल्लाह बेहतर करे, पर चांस बहुत मुश्किल टारगेट चेस होने चांस काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल। तो ये मुश्किल बिच हूँ तुम कहने कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देनी पैसी जी हाँ देनी पैसी देते हैं, मैं भी बंदे के शर्त लाई है मैच जीती गया पाकिस्तान ने तो पार्टी कराई जैसी। अच्छा मुश्किल है जी, क्या पार्टी रखी है तो जी है मैं कभी बकरे ने गोश्त खिलाया जैसी। अच्छा जी मैच को एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बड़ी एक्साइटमेंट है इंशाल्लाह देख लेना मैच, हमारा ही होगा मैच इंशाल्लाह 100% 100% हमारा ही मैच होगा। किस लिहाज से कह रहे हैं आप, श्रीलंका ने तो बड़ा टफ टारगेट दे दिया है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी जो है ना आवाम और उनकी मोहब्बत और खिलाड़ियों को उनको पता है कि इंशाल्लाह ये मैच हमने जीतना है बस। जी जी जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा जिंदाबाद पाकिस्तान जी भाई साहब, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। A few moments later जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये क्या हो गया? बस ये तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, ये जीत हार तो है तो जीत गया इंशाल्लाह गेम जो मैच आएगा। बहुत अफसोस है यार, क्या कहते हैं आप, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? पाकिस्तान की किस्मत नहीं तो किस्मत खराब था कौन सा खिलाड़ी सही नहीं खेला आज? नसीम शाह क्यों नहीं ठीक खेला? क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान मैच हार चुका है? है। ये किस चीज़ में कमजोरी नजर आई आपको? ये बैटिंग में। कौन सही नहीं खेला आज? सब नहीं सही खेले, नहीं सही खेले आज। रिजवान ने तो 50 की है, वो अच्छा खेला है, अच्छा खेला है, बस उनकी किस्मत ही बस जी आज लक नहीं थी हमारी। ये आप क्या कहते हैं भाई? देखो जी जीत आप तो ये किस्मत का खेला लगा ही रहता है ना, जीता भी है और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी और रिजवान साहब ने 48 बॉलों पे 50 की है जी जी, 8 ओवर बनते हैं तो स्लो खेले। असल में रिजवान को प्रेशर भी था ना, प्रेशर था लेकिन उस टीम को भी डाल देनी चाहिए, कम अज़ कम 4 एशिया कप जीत चुका है श्रीलंका और उसकी टीम अच्छी भी है, पाकिस्तान की भी टीम अच्छी है और ये लक की बात है होता रहता है ऐसा। मैं तो कहता था अगर जीत जाए तो मुतासरीन गुलाब वाले मुश्किल है, पाकिस्तान को जो भी इनाम वगैरह इनको मिलता तो वो उनकी शायद मदद करते, हम भी करेंगे इंशाल्लाह, वो फंड में तो पहुँच जाए, फंड में पहुँच के जीत पा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पहले वाली बात नहीं है कि शुरू में से बाहर हो जाता था। जी जी चलें जी, बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी टीम खेली, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या हो गया? मर गए अभी तो भाई। आपके वो बकरा आपने कहा था खिलाना है? हाँ वो लड़का खिलाएगा ना सुबह, वो खिलाएगा सुबह खिलाएगा ना, मैंने बोला ये वो भी सुबह खिलाएगा, अभी उसने क्यों नहीं खिलाया आपको? वो लेट हो रहा था, वो घर गया, अभी वो सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह, सुबह आ जाएगा यकीन। चले जी हमें जरूर बुलाइएगा, याद कीजिएगा हमें। श्रीलंका की टीम सेलिब्रेशन करते हुए माशाल्लाह वेरी गुड प्लेइंग टीम श्रीलंका, अल्लाह ताला ने इनको रोशनास किया और ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं इनके, जिन्होंने ये
एशिया कप विन किया है और बेस्ट ऑफ लक श्रीलंका और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। कोई बात नहीं, हार जीत मुकद्दर का हिस्सा है, हार से ही इंसान सीखता है और हमने हार से बहुत कुछ सीखना है। अगला हमारा जो मार्का है वो इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप है, वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ आज आपका मेज़बान मलिक नजमुल हुसैन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।